वायरलेस वर्ल्ड से पारसधाम घाटकों पर ये थे राष्ट्रसंत परम गुरुदेव श्री नम्र मुनि महाराज साहेबान से प्रेरणेने आणि परम महासंतजींच्या सानिध्यात यांच्या माध्यमातून डिजिटल तंत्रज्ञानाचा तुमच्या मनावर शरीरावर आणि आत्म्यावर होणारा प्रभाव दाखवणारे प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले. या प्रदर्शनामध्ये शाळेतील विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक हे प्रदर्शन पाहण्यासाठी आले होते. तसेच मोबाईल तुमचा कौटुंबिक बंद विश्वास वाढवत आहे की शंका आणि ब्रेकअप निर्माण करत आहे. तंत्रज्ञानाने तुम्हाला स्वतंत्र किंवा अपंग बनवले आहे का. तुम्ही तुमच्या मुलांचे संगोपन करत आहेत की त्यांना सोशल मीडियाच्या हातात वाढवले आहे. रेडिएशन तुम्हाला आजारी बनवत आहेत असे फलक देखील लावण्यात आले होते. जय जिनेंद्र, ये पूरा एग्जिबिशन हमने आज के युग के आधुनिक युग के ऊपर टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर किया है. आजकल 5 साल के बच्चे से लेके 80 ईयर्स के जो बुज़ुर्ग होते हैं उन्होंने गैजेट्स की टेक्नोलॉजी की असर कैसे कैसे हो रही है उसके ऊपर ये पूरा एग्जिबिशन है. इसको हमने 4-5 सेक्शंस में डिवाइड किया है. एक है कि ये गैजेट्स है, टेक्नोलॉजी है, उसकी असर हमारे स्वभाव के ऊपर, हमारे रिलेशंस के ऊपर. पहले जो फैमिली में बॉन्डिंग हुआ करती थी, आजकल वो बॉन्डिंग, ट्रांसपेरेंसी, वो सब कम हो रहा है. तो उसमें गैजेट्स और टेक्नोलॉजी का क्या महत्वपूर्ण रोल है उसके ऊपर हमने पूरा एक सेक्शन है. द सेकेंड सेक्शन इज़ ऑन गैजेट्स की असर हमारी हेल्थ के ऊपर कितनी हो रही है. जैसे फॉर एग्जांपल आज देखोगे छोटे बच्चों को स्पेक्स आने लगे हैं, या फिर बहुत ही 20-30 इयर्स के युवान जो होते उन्होंने स्पॉन्डिलिसिक्स के प्रॉब्लम है, बैकेक के प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. बहुत ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक ही स्थान पर बैठे रहना, ज़्यादा समय तक गेम्स देखते रहना, देखते देखते बच्चे हमेशा खाते पीते रहते हैं, मूवमेंट नहीं है, तो उसकी वजह से ओबेसिटी के, डायबिटीज़ के, कोलेस्ट्रॉल के, ये सब जो प्रॉब्लम्स आजकल बढ़ रहे हैं उसके ऊपर पूरा एक सेक्शन है कि इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन हेल्थ. द थर्ड सेक्शन इज़ आजकल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ मोबाइल, सब लोग ने खुद की मेमोरी को यूज़ करना बहुत ही कम कर दिया है. जैसे कोई सिंपल कैलकुलेशन कोई आपको पूछे तो कोई डायरेक्टली टेबल्स भी याद नहीं होते लेकिन कैलकुलेटर्स में यूज़ करते हैं. या फिर कोई आपको कुछ भी पूछे कि आपको पता है नेक्स्ट वीक की मीटिंग्स क्या है तो याद नहीं होता क्योंकि सब ने नोट्स में, रिमाइंडर्स में हर चीज़ सेव करी थी. पहले होता था बहुत सारे फ़ोन नंबर्स ओरली सबको याद थे लेकिन आज किसी को फ़ोन नंबर्स पूछे तो भी याद नहीं होते. तो आजकल सब लोग बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमें स्मार्ट बनाना चाहिए उससे अच्छा उसकी जगह पे हमारी जो ब्रेन पावर है, मेमोरी पावर है, हम उसको बहुत ही कम यूज़ करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से हम बहुत ही डल हो रहे हैं. अल्टीमेटली ये टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है ह्यूमन ब्रेन ने ही, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ओवर पावर कर रही है ह्यूमन ब्रेन को जिसकी वजह से ब्रेन पावर, मेमोरी पावर आजकल के बच्चों का बहुत ही वीक हो रहा है. और इस तरीके से ये पूरे मोबाइल ने पूरे विश्व के ऊपर अपना साम्राज्य कैसे फैला दिया है. और हम जानते हैं कि आज के युग में मोबाइल टेक्नोलॉजी बहुत ही बेसिक नेसेसिटी हो गई है इसलिए इसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन इसको हम ऑप्टिमली यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं उसके ऊपर हमारा पूरा एक डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन का सेक्शन है जहां हम बहुत ही सिंपल स्टेप्स बताते हैं. जैसे कि फ़ोन को आपको कॉन्स्टेंटली आपके हाथ में नहीं रखना जिससे वाइब्रेशंस आते हो. फ़ोन को आपको या तो स्पीकर्स पे यूज़ करना है क्योंकि कॉन्स्टेंट जब आप फ़ोन को यहाँ रख के बातें करते हो तो वो रेडिएशंस की वजह से आजकल ब्रेन कैंसर के चांसेस भी बहुत ही बढ़ रहे हैं. रात को सोने के समय फ़ोन को अपने पास नहीं रखना है. ऐसे बहुत ही सिंपल सिंपल वीक सिग्नल्स है वहाँ पे आपको बात नहीं करना, ट्रैवलिंग के समय आपको बात नहीं करना. ऐसे बहुत ही सिंपल सिंपल सॉल्यूशंस देके हम इस टेक्नोलॉजी के साइड इफ़ेक्ट्स के कैसे बच सक रहे हैं उसके ऊपर ये पूरा एग्जिबिशन है. तो हम चाहेंगे कि जितने भी लोग आ सके वो बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक सभी आके इस टेक्नोलॉजी से बचे, यही हमारी भावना इस एग्जिबिशन के पीछे है. CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.